गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग कैसे अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का बैकअप रख सकते हो। कैसे आपको बैकअप रखना चाहिए, जैसे कि आपका वर्ल्ड ही कभी डिलीट ना रहे और आपके पास ही रहे बिल्कुल सेफ एंड बिल्कुल अप टू डेट। तो उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बीटबॉक्स यानी कि उनका वर्ल्ड लगा रखा है। एंड ज़्यादातर लोग जानते हैं बीटबॉक्स चिप कौन है कौन नहीं है, भाई मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे अपने टाइटल में, आप चेकआउट कर सकते हो। तो पॉकेट एडिशन के अंदर आप कहते अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को सेव कर सकते हो, अपने पास सिक्योर रख सकते हो, अब भी अपडेटेड रख सकते हो, बिल्कुल सेफ है 100%। और माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में तो भाई डेफिनेटली वर्क करेगा। तो भाई इसी से अच्छा तो यही है कि भाई वीडियो में बने रहना एंड तक। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि भाई जो वीडियो होती है ना मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको एक बार भी मिस नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, या तो वो आपके काम की होती है, या तो वो आपके गेम के रिलेटेड होती है, या फिर जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मुझे ये वाला चीज़ चाहिए लेकिन आपको मिलता नहीं है, उसके रिलेटेड भी होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। क्योंकि गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बतानी है कि आपको यहाँ पे सिर्फ दो एप्लीकेशन चाहिए, एक तो आपका पॉकेट एडिशन। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो भाई डीएम मेरे को या कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। और आपको चाहिए जेड आर्चीवर, वो चीज़ भी आपको कॉमेंट सेक्शन में मिलेगी, और वो माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन वो भी कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आपके वहाँ पर चेकआउट कर लेना एक बार, एंड फिर से बार आपको करना क्या है, उन दोनों को डाउनलोड कर लेना। भाई चीज़ें बातें में ज़्यादा चीज नहीं कर सकता है तो क्योंकि मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, वीडियो के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप समझ लो समझदार लोगों को सारा ही काफ़ी है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ करने के बाद डन, आपको ये चीज़ फॉलो करना है, उसके बाद ही फिर आपको कुछ समझ आने वाला है कि कैसे क्या काम करता है कैसे क्या काम नहीं करता है। बिल्कुल, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर पे जाना, अपने फ़ोन में जो भी आपका फाइल मैनेजर है उस पर चले जाना और वहाँ पे डेटा पे चले जाना, ठीक है? तो पहले यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पे आ चुका हूँ, तो पहले वहाँ पे आपको एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाना है, ठीक है? या फिर आप एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जा सकते हो, या फिर आपको गेम्स वाला जो फोल्डर मिल जाएगा उससे, मतलब फाइल मैनेजर पे जाओ, वहाँ पे फाइल पे जाओ, गेम वाले फोल्डर में जाओ, com.mojang में चले जाना आपको, com.mojang, ठीक है? उस पर क्लिक करना, जैसे मैं आपको बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ का क्लिक करना है। उसके बाद com.mojang जो आएगा उस पर क्लिक करना है, एंड वहाँ पे आपको वर्ल्ड करके कुछ देखने को मिल जाएगा, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, तो उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है? तो या तो सेव करके लिखा होगा या तो वर्ल्ड करके लिखा होगा, आपको वो एक बार चेकआउट कर लेना। वर्ल्ड को क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे काफ़ी सारे वर्ल्ड दिख जाएंगे जो कि आपने बनाए हैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। तो वहाँ पे नाम के भी सेव होता है, कुछ कोड के भी सेव होता है। तो आप क्या करना है, आपको उससे क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करना है जितना भी आपका मतलब है, जैसे कोई कोड आ रहा था उससे क्लिक करना। उसके बाद वहाँ पे जो इमेज आएगी वो इमेज को आपको पहचानना है कि वो आपका वर्ल्ड है या नहीं। उसके बाद गेम खोल के अपने चैटिंग पे आना है, ठीक है? चैटिंग पे आने के बाद आपको दो काम और करने हैं। चैटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा नीचे ड्रैग करना है, कहाँ की साइड से आपको राइट साइड से ड्रैग करना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले राइट साइड को पहले एक नोटिफिकेशन पॉप अप हो गया, आपको हटा देते हैं क्योंकि सीधी बात है दिक्कत करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ करने के बाद आपको ना यहाँ पे ऑटो अपडेटेड अनलॉक पैक को ऑन वाइपर और चेलोरे डेटा पे कर देना, और फाइल स्टोरेज लोकेशन को एप्लीकेशन से दबा के एक्सटर्नल कर देना, ठीक है? इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका सारा काम खत्म। अब आपने जो फाइल सेव करके रखी होगी, अगर आप उसको वापस इस माइनक्राफ्ट फोल्डर में डाल दोगे जहाँ पे हम लोगों ने आपको बोला कि वो चीज़ कॉपी करके दूसरे फोल्डर में डालो, तो वो चीज़ अगर आप अपने माइनक्राफ्ट में डालोगे तो आपका आ जाएगा। देख सकते हो कि आपका वर्ल्ड डिसअपीयर हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना कि एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि आप एप्लीकेशन डिलीट कर दोगे तो सारा वर्ल्ड चला जाता है। तो एप्लीकेशन को क्लिक करके आपको एक्सटर्नल कर लेना, ठीक है? जैसे ही एक्सटर्नल करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने वर्ल्ड डाला होगा ना सारा वर्ल्ड आ जाएगा। जैसे कि मैंने बीटबॉक्स चिप का डाल रखा, कितने सारे बना रखे देख सकते हो, मैंने बीटबॉक्स चिप का डाल रखा, तो मैं उस पर भी जा सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है, तो मैं एक बार आपको चल के भी दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।